हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। पहले हम पढ़ेंगे एसी जनरेटर जो प्रोड्यूस करेगा अल्टरनेटिंग करंट। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है, ये काम कैसे कर रहा है, इसका प्रिंसिपल क्या है? पहले आएगा प्रिंसिपल। ये वर्क कर रहा है ईएमआई के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई। अब ये होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हमें पता है करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दें तो करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था और मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनेगा। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से हम क्या कर सकते हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सिंपली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बोल सकते हैं, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाए, फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, जिस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है उसको उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो मैग्नेटिक फील्ड को, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इनटू एरिया ऑफ कॉइल। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा उसके अंदर, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दे। अब यहां पे क्या है, इसकी बात करूं मैं, यहां से नॉर्थ टू साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ पोल, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कॉइल को रोटेशन कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, कॉइल का एरिया चेंज हो जाएगा। इस केस में कॉइल का एरिया कुछ और है, अगर कॉइल ऐसे मान लो, इस केस में कॉइल का एरिया कुछ और है, लेकिन अगर कॉइल ऐसे हो गई तो एरिया कुछ और हो गया। अगर एरिया चेंज होगा इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दिया हमने तो उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इफ तो पहले क्या आएगा, प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे बोलेंगे क्या, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, मींस अगर हम किसी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर दें, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो उससे क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये था इसका प्रिंसिपल, हम इसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे और करंट प्रोड्यूस कर लेंगे। तो अब ईएमआई की डेफिनेशन क्या आ गई, ये थे ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स लग गया बताने क्या होता है, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, जो कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, मींस मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉइल का एरिया है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कॉइल चेंजेस देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी तो करंट प्रोड्यूस हो गया, देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब अगर ईएमएफ इंड्यूस हुई है तो उससे करंट प्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन में क्या आ गया इसके अंदर हमारे पास, अब नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या क्या आएगा, सबसे पहले हमें एक चाहिए टर्बाइन या फिर इंजन जिसकी हेल्प से हम जनरेटर की कॉइल को रोटेट कर सकें। सबसे पहले हमें टर्बाइन चाहिए या फिर इंजन, क्योंकि हमने उसको रोटेट करना है, उसकी कॉइल को रोटेट करना है। टर्बाइन का काम भी उसको रोटेट करना है, इंजन का काम भी उसको रोटेट करना है, क्योंकि जब इंजन मूव करेगा, इंजन वर्क करेगा, उसके उसका रोटेशन होगी, उस रोटेशन से कॉइल रोटेट कर जाएगी। सेकंड हमें इसके अंदर है कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट, मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, मैग्नेट थी परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ पोल है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा उसके अंदर, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, फिर नॉर्थ टू साउथ पोल। ये आ गया टर्बाइन, इंजन या फिर मैग्नेटिक, मैग्नेट चाहिए, मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। थर्ड आ गया कॉयल थी, कंडक्टिंग कॉयल, कॉयल है। उसके बाद हमारे पास रिंग्स हैं, यहां पे स्लिप रिंग्स आएंगी, स्लिप रिंग्स, जो स्लिप रिंग्स हैं वो कॉयल की
वायर के साथ कनेक्टेड है, मान लो पहली वाली स्लिप रिंग आर वन है वो कनेक्ट है ए बी वाली लाइन के साथ, और जो रिंग आर टू है वो कनेक्टेड है सी डी के साथ। ये हमने इसलिए स्लिप रिंग लगाई यहाँ पे ताकि जब रोटेशन हो सिर्फ ये कनेक्ट रहे इसके साथ, अदरवाइज ये पूरे का पूरा सर्कल रोटेट कर जाता तो उससे हॉस्पो हो जाता काम। इसके लिए हमने किया सिर्फ रिंग्स लगा दी, क्योंकि अब ये जब रोटेट करेगा तो रिंग के साथ कॉन्टेक्ट है इसका साथ, तो रिंग रोटेट करेगी पूरी, ऐसी इसकी रिंग पूरी रोटेट करेगी, क्योंकि जब कॉयल रोटेशन करेगी तो इस तरफ आ गई, मीन्स इसका कॉन्टेक्ट यहाँ से टूट गया। अगर यहाँ पे रिंग ना होती तो ये अपने आप यहाँ जाके कॉयल लग जाती, तो उससे क्या होता कनेक्शन टूट जाता, इसलिए हमने रिंग लगा रखी है। अब रिंग इसके साथ इसी के साथ रहेगी ये रिंग, और ये रिंग इसके साथ ही रहेगी, जब रोटेशन होती रहेगी तो रिंग इसके साथ टच रहेगी, आर वन रिंग रहेगी टच बी वन के साथ, आर टू रिंग रहेगी टच बी टू के साथ। अब नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास, स्लिप रिंग आ गई। फिफ्थ है ब्रशेज, ये कंडक्टिंग ब्रशेज हैं, ये कार्बन के बने हुए हैं ब्रशेज। इसमें क्या आ रहा है, ब्रशेज के अंदर जो ब्रश थे जो इसके ब्रिसल्स हैं या थ्रेड्स बोल लो जिसकी ब्रिसल्स हैं वो कनेक्टेड है रिंग के साथ, मीन्स यहाँ कॉन्टेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे जब रोटेशन होगी तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट बना रहेगा साथ में ब्रश के साथ, क्योंकि जब उसके ब्रिसल्स हैं वो स्मूथ होते हैं, जब उससे टच होगी तो ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये रिंग घूमेगी, यहाँ पे कंडक्ट बना रहेगा साथ में। सिमिलरली आर टू रिंग के साथ आ गया, ब्रशेज है कौन से ब्रशेज है, कंडक्टिंग ब्रशेज। और लास्ट में हमारे पास गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, इट मेजर स्मॉल करंट, अगर बहुत कम करंट भी आ रहा है उसको भी मेजर कर लेगा, अगर हमारे पास बहुत कम अमाउंट में करंट आया उसको भी मेजर कर लेगा गैल्वेनोमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया। अगर डिफ्लेक्शन हो गया हम समझ जाएंगे यहाँ पे क्या हुआ, करंट पड़ी हुई हुआ। अब नेक्स्ट है वर्किंग, वर्किंग क्या है हमारे पास, सबसे पहले जो हमारे पास मैग्नेट थी उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मीन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स फील्ड इनटू एरिया, अगर हम इसका फ्लक्स चेंज कर लें जैसे ही कॉइल रोटेट होगी तो उससे इसका फ्लक्स चेंज हो जाएगा, मीन्स उसका एरिया चेंज हो गया कॉइल का, यहाँ एरिया कुछ और है कॉइल का, यहाँ एरिया कॉइल का कुछ और आएगा, अगर उसका एरिया चेंज हो गया जो फील्ड के सामने आएगा एरिया वो चेंज होगा, अब एरिया चेंज हो गया कॉइल का इट मीन्स वहाँ पे क्या हो गया इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब वर्किंग होगी कैसे, सबसे पहले हमारे पास नॉर्थ टू साउथ पोल क्या जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और हमने जेट उसकी हेल्प से टर्बाइन की हेल्प से या फिर इंजन की हेल्प से ये कॉइल रोटेट कर दी। सपोज मैंने पहले ये कॉइल रोटेट कर रहा हूँ, जब इसकी ए बी वाली साइड है वो ऊपर आएगी, मीन इस तरह रोटेशन हो रही है, सपोज कर लो ऐसे रोटेशन हो रही है कॉइल की, तो जो ए बी वाला पार्ट था वो ऊपर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग डिपेंड करती थी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के ऊपर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या था, थंब रिप्रेजेंट था फोर्स, फोर्स ऑफ कंडक्टर, यहाँ फोर्स लग रही है, अब यहाँ पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर को लग रही है, जो हमारे पास टर्बाइन थी या इंजन था उसको घुमा के ऊपर को लेके आ रहा है पहले वाली साइड को ए बी को, सपोज ए वाला पार्ट ऊपर आ रहा है तो वहाँ फोर्स कैसे लग रही है अपवर्ड, थंब रिप्रेजेंट फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करंट फादर मदर साइड, ये फोर्स की डायरेक्शन थी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे पास अगर हम राइट हैंड यहाँ पे लगे ये फोर्स की डायरेक्शन आ रही है क्योंकि हम ऊपर को लगा रहे हैं, ऐसे रोटेट होगी ना इट मींस ये बाहर को आएगी फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है नॉर्थ टू साउथ पोल, तो जो सेंट्रल फिंगर थी वो करंट की डायरेक्शन बता रही है, इट मींस यहाँ पे करंट कैसे आएगा इनसाइड, तो ए बी वाली साइड में करंट गया इस डायरेक्शन में। अगर हम बात करें सी डी साइड की तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है इट मींस ये वाला पार्ट नीचे को जा रहा होगा, जब टर्बाइन रोटेट कर रहे थे तो जो कॉइल रोटेट हो रही थी उससे अगर ए बी वाली साइड ऊपर आ रही थी ऐसे रोटेशन होगी तो सी डी वाली साइड नीचे जा रही थी, इट मीन उसके ऊपर फोर्स नीचे को लग रही है, तो वहां पे क्या आ गया हमारे पास फोर्स नीचे को लग रही है, तो ये फोर्स नीचे को आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई है नॉर्थ टू साउथ पोल, तो करंट की डायरेक्शन क्या आ गई आउटसाइड, इट मीन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन आ गई, ये आ गया फर्स्ट हाफ के लिए। अब यहाँ पे अगर तो ये कंप्लीट मोशन ये आ गया उसका, तो यहां से करंट का सर्कट कंप्लीट हो गया, यहां से करंट एंटर किया और यहां पे चला गया, तो यहां पे डिफ्लेक्शन आ गई गैल्वेनोमीटर के अंदर। लेकिन अब क्या हुआ, जब इसका सेकंड हाफ था, अब रिंग तो अटैच है इसके साथ तो ये वाला पार्ट ऐसे रोटेट करेगा इसके साथ, अब ये पार्ट ए बी साइड इस तरफ चली गई जब फर्स्ट हाफ के बाद, लेकिन सी डी वाली साइड इस तरफ आ गई,
अब सीढ़ी वाली जो सीढ़ी साइड थी ऊपर जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पे आ गई, मान लो इस तरफ आ गई सीढ़ी, उल्टा हो गया रोटेशन फर्स्ट रोटेशन के बाद, सेकंड रोटेशन में यहाँ पे आ गई सीढ़ी साइड, सीढ़ी, और यहाँ पे आ गई एबी साइड, अब उल्टा हो गया सीढ़ी। अब यहाँ पे क्या होगा, जो सीढ़ी साइड थी उसमें अब करंट कैसा है, और उसमें अब क्या है हमारे पास जो फोर्स है, अब ये वाली पार्ट सीढ़ी वाली साइड ऊपर जाएगी, जब इसने ऊपर आना है तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे लगाते हैं वही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अगेन, अब फोर्स ऑफ कनेक्टर फिर ऊपर को है, इसने ऊपर को जाना है इस साइड ने, जब ऊपर जाएगी और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर वही है नॉर्थ टू साउथ पोल, तो ये वाला पार्ट अब इन साइड जाएगा, अब सीढ़ी वाली डायरेक्शन इस तरफ आएगी और एबी की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, अब उल्टा हो गया, पहले सीढ़ी वाले पार्ट था उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ थी, अब एबी वाली पार्ट में डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ है, तो मीन यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उल्टी हो गई, तो इसे हम बोलते हैं एसी, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है अल्टरनेट हो रही है, तो ये इसका डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आएगी, अल्टरनेटिंग करंट ऐसे आएगा, पहले फर्स्ट हाफ पॉजिटिव सेकेंड हाफ नेगेटिव, अगर हम एबी की बात करें इसका फर्स्ट हाफ पॉजिटिव था करंट के लिए, सेकेंड हाफ क्या आ गया नेगेटिव, फिर थर्ड हाफ जब फिर दोबारा रोटेशन होगी वहां पे ए वाला पार्ट फिर वहां चला जाएगा, अब फिर उसमें वैसे करंट आएगा, तो उसका फर्स्ट हाफ फिर पॉजिटिव सेकंड हाफ फिर नेगेटिव, तो ऐसे चलता रहेगा, ये आ गया एसी करंट, ये एसी जनरेटर की वर्किंग थी, ये आ गया इसमें करंट कौन सा बड़ी होगा फिर एसी करंट, क्योंकि ये एसी डायनेमो है या एसी जनरेटर है, इसमें करंट कौन सा बड़ी होगा एसी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डीसी जनरेटर, अब इसमें हमने डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करना है, मेन उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो, उसकी वैल्यू फिक्स रहे, वो वाला करंट प्रोड्यूस करना है डीसी जनरेटर। अब इसमें प्रिंसिपल तो वही सेम रहेगा ईएमआई, क्योंकि इसमें भी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके करंट प्रोड्यूस करना है, इसका प्रिंसिपल भी क्या है सेम ईएमआई, क्योंकि इसमें भी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से करंट प्रोड्यूस करना है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो पहले उसमें था एसी वाला प्रिंसिपल था वही डीसी का प्रिंसिपल है। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन भी वही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में क्या है भाई, अगर हमने कॉइल को रोटेट करना है उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले या तो चाहिए टर्बाइन या चाहिए इंजन जिसकी हम उसे रोटेट कर सके, सेकंड हमारे पास मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट्स जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, थर्ड हमारे पास इसमें है कॉइल कंडक्टिंग कॉइल जिसमें करंट पास कर सकता है कॉइल, फोर्थ हमारे पास है इसमें रिंग्स, यहाँ डिफरेंस आ गया रिंग्स के अंदर, वहां थी स्लिप रिंग्स यहाँ पे है स्प्लिट रिंग्स, यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया स्प्लिट रिंग्स का। अब स्प्लिट रिंग्स क्या है, स्प्लिट रिंग्स कम्यूटेटर्स, ये सर्किट ब्रेक नहीं होने देंगे इसलिए हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स, ये बीच में से ब्रेक है, इट मीन जब जो कॉन्टेक्ट था ब्रश उसमें क्या था, जो हमारा स्लिप रिंग का काम क्या था, उसमें जो ब्रश बी वन था वो सिर्फ रिंग आर वन के साथ ही कॉन्टेक्ट में था, जो ब्रश बी वन था वो सिर्फ आर वन के साथ ही कॉन्टेक्ट में था, और जो ब्रश बी टू था वो सिर्फ आर टू के साथ ही कॉन्टेक्ट में था, सिर्फ आर वन रोटेट कर रही थी बी वन के साथ टच थी और आर टू टच थी बी टू के साथ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा जब रोटेशन होगी जो आर टू थी वो लग जाएगी जाके बी वन के साथ, फर्स्ट हाफ रोटेशन में आर वन आ जाएगी विद बी टू, फिर नेक्स्ट रोटेशन में फिर आर टू बी टू के साथ आर वन बी वन के साथ, इसमें रोटेशन ऐसी ऐसे होती रहेगी, मीन जो ब्रश के साथ कॉन्टैक्ट था वो रिंग का चेंज हो गया यहाँ पे, इसलिए सेपरेट रिंग बोल रहे हैं इसको, कॉन्टैक्ट तोड़ रही है, पहले आर वन का कॉन्टैक्ट था बी वन के साथ, फिर आर टू का कॉन्टैक्ट हो जाएगा बी वन के साथ, फिर दोबारा आर का कॉन्टैक्ट बी वन के साथ, फिर दोबारा आर टू का कॉन्टैक्ट बी टू के साथ, इस रोटेशन में क्या हो रहा है कॉन्टैक्ट ब्रेक हो रहा है आर वन का बी वन के साथ, आर टू का बी वन के साथ, फिर आर वन का बी वन के साथ, ऐसे बी टू के साथ हो रहा है, तो इसमें क्या बोलते हैं हमने यूज करिए सेपरेट रिंग्स, डिफरेंस बस इसमें वहां स्लिप रिंग्स थी यहाँ सेपरेट रिंग्स। फिफ्थ आ गया हमारे पास ब्रशेस, वही कंडक्टिंग ब्रशेस कार बन गए। सिक्स्थ लास्ट में गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है उसने बताना है स्मॉल करंट, अगर बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट पड़ी हो उसको भी डिफ्लेक्ट कर देगा गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा इसके अंदर करंट पड़ी हुई है, ये गैल्वेनोमीटर का काम है। अब नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ डीसी जनरेटर, अब इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले जब हमने टरबाइन रोटेट की या फिर इंजन रोटेशन शुरू की तो उससे कॉयल रोटेट करना शुरू हो गई, अब कॉयल किसमें रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में जो नॉर्थ और साउथ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ
नॉर्थ टू साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। अब इसके अंदर कॉयल रोटेट करना शुरू हो गई, जब कॉयल रोटेट करना शुरू हुई तो उससे क्या हुआ, हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गई। और हमने पढ़ा था अभी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन है करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अब फिर यहाँ पे हम लगा रहे हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब क्या हुआ, सबसे पहले हमारा वही कॉयल की रोटेशन, सपोज ये कॉयल हमारे पास ए बी सी डी कॉयल थी, ए बी सी डी। अब जब कॉयल की रोटेशन शुरू हुई, सपोज जो ए बी वाला पार्ट था, ए वाली साइड थी, वो ऊपर आ रही है रोटेशन से। जब कॉयल रोटेट कर रही है, ए वाला पार्ट ऊपर आ रहा है। जब ए बी पार्ट ऊपर आएगा, इट मीन्स उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही है, ऊपर को लग रही है। इट मीन्स उसके ऊपर फोर्स ऊपर को लग रही है। जब फोर्स ऊपर लग रही है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो ये आ गया फोर्स लग रही थी ऊपर को ए बी पार्ट के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ गई फिर ए टू बी। लेकिन सी डी के लिए क्या आएगी, यहाँ पे इस केस में हमारे पास आ गया जो सी डी, अगर ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है तो सी डी वाला पार्ट नीचे को जाएगा, इट मीन इसके ऊपर फोर्स नीचे को लग रही है। अगर इसके ऊपर फोर्स लग रही है नीचे को, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर सेम है, वही फोर्स नीचे को लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है। इट मीन्स अगर फोर्स नीचे को थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, करंट की डायरेक्शन क्या आ गई आउटसाइड, तो ये आ गई करंट की डायरेक्शन। तो कंप्लीट सर्किट कैसा हो गया, यह कंप्लीट करंट की डायरेक्शन। लेकिन जब सेकंड रोटेशन होगी इसके अंदर, इसमें क्या हुआ, जब सेकंड रोटेशन हुई, ये था इसके अंदर सेपरेटर यूज किया हमने, अब जो आर टू था, आर टू रिंग थी, वो जाके अटैच होगी ब्रश बी वन के साथ। अब अगर आर टू आ गई बी वन के साथ, और जो सी डी थी वो यहां पे आ गई, यहां आ गया सी डी, यहां पे रह गया ए बी। अब इस केस में क्या हुआ, फिर अगेन वही, अब यहां पे कंडक्ट फिर वही है, यहां फोर्स कैसे लेगी ऊपर को, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, साउथ पोल, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम डी टू सी। अब इस केस में क्या हुआ, ये आया कंप्लीट रोटेशन। अब लेकिन यहां डायरेक्शन ऑफ करंट सर्किट में फिर वही रहेगा, इट मीन यहां करंट ऑफ डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, यहां पे वेट यही जा रहा है करंट की डायरेक्शन, ये सर्किट कंप्लीट है, वैसे ही है, यहां कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो पहला केस था हमारे पास, उसमें क्या था, एसी करंट वाले कनेक्शन में अगर ये रोटेशन चेंज हो रही थी, ये यहां से ये सर्किट कंप्लीट था, यहां पे इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी रिंग की, रिंग आर टू बी टू के साथ ही थी, रिंग आर वन बी वन के साथ ही थी, इसलिए यहां अगर ये रोटेशन चेंज हो रही थी तो यहां से डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो रही थी। पहले डायरेक्शन ऑफ करंट यहां थी, नेक्स्ट केस में उल्टी हो गई थी, यहां से यहां चली गई थी, इसलिए वहां पे हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आया था। लेकिन इस केस में क्या आया, जब रोटेशन होगी, मीन जो आर टू रिंग थी वो जाके अटैच होगी बी वन के साथ फर्स्ट रोटेशन में, तो यहां से करंट ऑफ डायरेक्शन फिर वही रही, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहने के कारण यहां से सर्किट क्या रहा, कंप्लीट। फिर जब रोटेशन होगी, फिर यहाँ पे ए बी पार्ट आ जाएगा, तो वहां फिर करंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट यही रहेगी, तो ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट ऐसे ही रहेगा। तो यहां से करंट सेम फॉर्म पास करता रहेगा फ्रॉम दिस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट क्या आ रहा है, सेम पाथ फॉलो कर रहा है अगेन एंड अगेन, तो इसलिए हमने सेपरेटर यूज की थी। यहाँ पे करंट कौन सा प्रोड्यूस होगा, फिर डीसी करंट, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसलिए इसमें डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हो गया। अब ओवरव्यू दे रहा हूं थोड़ा सा, जो हमारे पास एसी जनरेटर था उसमें क्या हुआ था, जो हमारे पास ब्रश बी वन था उसके साथ रिंग आर वन अटैच थी, लेकिन जो ब्रश बी टू था उसके साथ रिंग आर टू अटैच थी, उसके कारण क्या हुआ, उसकी रोटेशन इसके साथ ही रहेगी। अगर हमने, लेकिन यहां से इसकी चेंज हो रही थी पोजीशन ए बी और सी डी, तो उसके कारण यहां से सर्किट चेंज हो रहा था, पाथ ऑफ करंट चेंज हो रहा था, उसके कारण पहले जो पहला पाथ था उसमें पाथ ऑफ करंट ये था, लेकिन सेकंड पाथ में क्या आ गया था, उल्टा, यहां से यहां चला गया था करंट, तो उसके कारण वहां पे क्या आ रही थी, वेरिएशन आ रही थी करंट के अंदर, तो उसमें क्या आ रहा था, अल्टरनेट करंट आ रहा था, पहले पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन यहां पे क्या आया, यहां जो गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्शन है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे रिंग्स ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो उसके कारण कनेक्शन, ये यहां पे सर्किट था वो चेंज नहीं हुआ, ऊपर वाला सर्किट चेंज हो गया, इसलिए हमने यहां पे कौन सा करंट ऑब्टेन कर दिया, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। थैंक यू।